तो हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल अनदर विद ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो गाइस, ये घर का हालत देखिए, पूरा किच किच हो गया बारिश हो गया, ये देख रहे हैं क्या, पूरा किच किच हो गया। और अभी हम लोग लहसुन दिए थे सूखने के लिए हम, और पता है अब सो गए और पूरा बारिश आया तो भींग गया। अभी पंखा में सुखा रहे, ये देखिए पंखा में सुखा रहे हैं, ये देखिए पूरा भींग गया। अब भींग के पूरा, अभी तो थोड़ा सूखा है, कितना अच्छा पूरा सूख गया था, भींग के पूरा गीला हो गया, देख रहे। अभी फैन में सूखने दिए, अभी फैन का नीचे दे दिए हैं, सूख रहा है पूरा भींग यार, गीला। फिर से देखते हैं धूप जब निकलेगा तो फिर डालेंगे, और उतार नहीं भूल के सोचे सूखेगा, मतलब गीला टाइप का रहता है ना, बारिश के वजह से पूरा काला पड़ गया था, तो सोचे सूखेगा और सो गए भूल के। ये पानी को हटा देते, नहीं तो पूरा पूरा पिसलते हैं। हम तो पिसल के गिरे ही, और बाबू भी पिसल के गिर गए, ऐसा गिरे ना धड़ाम से, और तुरंत उठ के बैठ गया, बोरे हैं नहीं चोट लगा, लगा कमर पे, पूरा बर्तन ले के ही गिर गए। तो अभी चिकना हो जाता ना बारिश की वजह से, तो पूरा सब गिर रहा, साफ कर लेते। सो गाइस, पता है आजकल मेरा वीडियो जल्दी क्यों नहीं आ रहा है, बहुत बड़ा कारण हो गया, और हमें ये करके पछता रहे, बहुत पछता रहे। पता है नेट, जब से जियो का नेट बढ़ा है रिचार्ज, तो हम सोचे ना सब BSNL का पोर्ट करा रहा, तो हम भी सोचे हम भी पोर्ट करवा लेते, तो पोर्ट हम भी करवाएं जब मायके में थे तो ही। और अभी तक मेरा जियो का क्या बोले, जियो काट नहीं रहा है, और BSNL का, अगर जियो का टावर हटेगा तब BSNL का सिम लगाएंगे तो ही ना कुछ हो पाएगा, तो जियो को जियो का टावर कट ही नहीं रहा है, तो हम क्या BSNL का सिम लगाए। इसी के लिए अभी मेरा नेट भी ख़त्म हो गया, सब कुछ ख़त्म हो गया, इसलिए कुछ हम कर नहीं पा रहे, ना मेरा वीडियो आ रहा है, ना मेरा शॉर्ट वीडियो आ रहा, ना मेरा लॉन्ग वीडियो आ रहा, क्या करें, ये करके बहुत पछता रहे हैं। मतलब सब करा रहा है BSNL, तो हम भी सोचे करा रहे हैं, मेरा भैया भी करवाएं और सब कोई करवा रहा, तो BSNL का चक्कर में ये जियो वाला नेट ही नहीं काट रहा, तो हम क्या BSNL का सिम लगाएं। हम जब मायके में थे तो ही हम ये पोर्ट करवाए थे, और अभी तक नहीं काट रहा, देखिए 20 दिन हो गया होगा शायद, अभी तक नहीं काट रहा, पता नहीं काटेगा कि नहीं। हम इधर भी रिचार्ज नहीं कर सकते क्योंकि पोर्ट करवा लिए, अगर रिचार्ज कर देंगे तो फिर काट देगा, मेरा पैसा भी बर्बाद हो जाएगा मेरा दोनों। इसी के लिए सोच रहे अभी जैसे तैसे करके बाबू से मांगते हैं वाईफाई, तो ही बाबू का नेट से ही चलाते हैं, मेरा तो नेट है नहीं खुद का, मांगना पड़ता, मांग मांग के काम चला रहे, ऐसा ना अभी हमको ऐसा लग रहा ना, मांग रहे हैं तो ऐसा लग रहा भीख मांग रहे हैं। भीख मांगते तो जाके नेट चलाते
क्या बोले, देखते हैं कब तक कटता है। तो हम सोच रहे हैं हम बिजनेस करके बहुत बड़ा गलती कर दी, छोड़िए आता है, जब देखते हैं आता है कब तक कटता है। अभी मेरा इधर खाना बनाने के लिए आए हैं, अभी कुकर में आलू चढ़ाए हैं, आलू उबालने के लिए दिए हैं और बनाते हैं आलू दम और पूरी। कुछ है नहीं सब्जी वगैरह, इसी के लिए बहुत जल्द मतलब मेरा शॉर्ट वीडियो नहीं आ रहा है, मेरा लॉन्ग भी बहुत लेट लेट से आ रहा है, क्या बोल सकते हैं। और कितना मांगिएगा, बाबू भी यूज करते हैं तो ज्यादा मांगते नहीं है, वैसे वीडियो अपलोड करने में लगता है तो आधा नेट तो उसी में चला जाता है, तो मांगने से इसीलिए मेरा वीडियो नहीं आ पा रहा। चलिए लहसुन लेके मसाला पीस लेते हैं। मसाला पीसा मेरा हो गया है, अब जा रहे सब्जी बनाते हैं, मस्त वाला आलू दम, आलू का दम। चलिए मसाला पीस के लिए आए हैं, अभी आलू दम का सब्जी बना लेते हैं और पूरी बना लेते हैं। मौसम तो ऐसा कर रहा, कहीं पता है बारिश नहीं होता तो फिर बारिश नहीं हो रहा, बारिश नहीं हो रहा, गर्मी हो रहा, अब इतना बारिश हो रहा कि किच किच कर दिया था, रखी चाइन ही कर दी। और अभी मेरी सासू माँ पता नहीं कहाँ चली गई, बाबू भी है नहीं, वो भी कहाँ गए हैं, और हम अकेले हैं, बोरिंग सा लग रहा है। तो खाना बना लेते हैं, उसके बाद पता नहीं बाबू बाहर बैठे होंगे, उसके बाद ही कुछ करेंगे। चलिए खाना बना लेते हैं। क्या हाँ क्या है, आटा निकाल लेते हैं। तो चलिए वीडियो ज्यादा लंबा नहीं बनाते हैं, वीडियो आज यहीं पेंट करते हैं, मिलते हैं इस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय।